न्यू कार परचेज करने में ब्रांड, सेगमेंट और मॉडल्स के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप ऑटोमेटिक या मैनुअल कार परचेज करें या फिर आपके लिए कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम सूटेबल है। तो बात करेंगे आज की वीडियो में डिटेल से ऑटोमेटिक और मैनुअल कार्स के प्रोज और कॉन्स, दोनों ही सिस्टम के बेसिक कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, साथ में ऐसी कौन सी ऑटोमेटिक या मैनुअल गाड़ियां हैं जो एक दूसरे से बेटर हैं, यानी कि आपको मैनुअल लेनी चाहिए या ऑटोमेटिक। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो है, साथ ही शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल कार का डिफरेंस, बेनिफिट या फिर इसके नुकसान के बारे में। तो मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ वास्तव में कैसे काम करती हैं और क्या आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है ऑटोमेटिक मैनुअल गाड़ियों में। अब तो खैर IMT का ट्रांसमिशंस भी आता है। तो ऑटोमेटिक मैनुअल कार की बात करें तो सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशंस में, मैनुअल कार में जहाँ ड्राइवर को क्लच और गियर लीवर का इस्तेमाल करके बार बार गियर बदलना होता है, ख़ास तौर से अगर आप लोकल में ज़्यादा यूज़ करते हैं और ऐसे सिटीज़ में या ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ पर रश काफ़ी रहता है, तो आप पर काफ़ी प्रेशर रहेगा, आपको बार बार क्लच गियर का प्रयोग करना होगा गाड़ी को रोकने के लिए, फिर चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैनुअल गाड़ियों में ड्राइवर पर काफ़ी स्ट्रेस रहता है क्योंकि बार बार उसे उनको बदलना है, क्लच और गियर को, एक्सीलेटर का समन्वय करना होता है। अब आ जाते हैं सेम कंडीशन में अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस है, तो ऑटोमेटिक कार में गियर बदलने का काम हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करता है, ड्राइवर को केवल एक्सीलेटर और ब्रेक पेडल का इस्तेमाल करना होता है और इसमें कि आपका एक पैर तो पूरी तरह फ्री रहता है, यानी कि आप कंफर्टेबली चाहें तो वहाँ पर ब्रेक का यूज कर सकते हैं या एक्सीलेटर का यूज़ करके गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाकी आपको वहाँ पर बार बार गियर नॉब पर ध्यान नहीं देना है, उसे चेंज करने के लिए, फर्स्ट गियर में लाने के लिए, सेकंड गियर में लाने के लिए, यानी बार बार आपको गियर बदलने की टेंशन ही नहीं है, ये काम स्वयं ऑटोमेटिक सिस्टम करता है। अब बात करते हैं मैनुअल कार के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले तो मैनुअल गाड़ियां, सबसे पहले अगर आप माइलेज लेवल पर देखते हैं तो आमतौर पर ऑटोमेटिक गाड़ियों से बेहतर माइलेज देती हैं क्योंकि इसका गियर ड्राइवर के नियंत्रण में होता है, यानी अगर ड्राइवर अनुभवी है तो उससे अच्छा माइलेज निकाल सकता है ऑटोमेटिक गाड़ियों से। बात करें प्राइस लेवल पर भी, तो मैनुअल कार की प्राइस ऑटोमेटिक गाड़ियों की तुलना में कम होती है। थर्ड है ड्राइविंग का मज़ा, मैनुअल कार चलाने में ज़्यादा कम मज़ा आता है, ड्राइवर को कार पर अधिक नियंत्रण होता है। फोर्थ है कम रखरखाव खर्च, मैनुअल ट्रांसमिशंस का ये मेन पॉइंट भी है या आप कह सकते हैं मेन बेनिफिट भी है क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशंस में जो पार्ट्स होते हैं प्राइस लेवल पर उनका रखरखाव का खर्चा भी काफ़ी कम आता है। सेम सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करें, चाहे वो कॉम्पैक्ट SUV है, प्रीमियम हैचबैक है या फिर आजकल एंटी लेवल बजट में आने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं। देखिए सबसे पहली बात, नुकसान की बात करें मैनुअल गाड़ियों के, तो ड्राइविंग सीखने में टाइम लगता है, मैनुअल कार चलाना सीखने में समय और अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट है ट्रैफिक में थकान ज़्यादा होती है, लगातार गियर बदलने से ट्रैफिक में थकान होती है। थर्ड है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार क्लच दबाने से असुविधा होती है। अब आती है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, इनके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि आपको किन कंडीशंस के लिए गाड़ियाँ परचेज करनी है। बेशक आप एंट्री लेवल की गाड़ी लें या कोई सी भी लें, क्योंकि आजकल तो एंट्री लेवल गाड़ियों में भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मिल जाते हैं, under 7 lakh में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आगे शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के फायदे के। फर्स्ट पॉइंट है कंफर्टेबल ड्राइविंग, ऑटोमेटिक कार चलाना आसान होता है और जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है जो न्यू ड्राइविंग सीखते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक गाड़ियों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल होता है। थर्ड है कुछ कंडीशंस में बेहतर प्रदर्शन है, ख़ास तौर से जो आपको बताया जहाँ पर काफ़ी सिटी यूज़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ के लिए तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ मच बेटर हैं क्योंकि इनके ट्रांसमिशंस में तेज शिफ्टिंग और बेहतर प्रदर्शन होते हैं। और आप पहले आने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों से कंपेयर ना करें,
अब तो काफी एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुके हैं जो स्मूथली वर्क करते हैं। और अब बात करें ऑटोमेटिक गाड़ियों के कॉन्स के, तो सबसे पहला बात तो प्राइस पॉइंट पर ही आता है। ऑटोमेटिक कार का प्राइस मैनुअल गाड़ियों से ज़्यादा होता है, बेशक आप किसी भी सेगमेंट में परचेज करें। सेकंड पॉइंट होता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर माइलेज में भी डिफरेंस मिलता है। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आमतौर पर मैनुअल गाड़ियों से ज़्यादा पेट्रोल खर्च करती हैं। थर्ड है ज़्यादा रख रखाव खर्च, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा जटिल होता है, इसकी मरम्मत में भी ज़्यादा खर्च आता है, तो यानी आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है ड्राइवर का, इस पर कम नियंत्रण होता है, ड्राइवर के पास गियर चेन पर कोई नियंत्रण नहीं होता क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड के अकॉर्डिंग अपने गियर को ऑटोमेटिक रूप से चेंज करती हैं। अब बात आती है मेन पॉइंट की कि आप किस कंडीशन में गाड़ी परचेज करने वाले हैं, तो आपके लिए मैनुअल गाड़ियाँ फिट होंगी या फिर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ फिट होंगी, तो आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कार चुननी है। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप पर ये पॉइंट्स अप्लाई होते हैं तो आपको मैनुअल कारें चुननी चाहिए। आपको ड्राइविंग का मज़ा आता है, आप कार पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, आप बेहतर माइलेज और कम खर्च चाहते हैं, और आप रहते हैं ऐसे इलाकों में जहां पर कम ट्रैफिक है, तो वहां पर आपको मैनुअल कार ले लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ियों की बात करें, अगर आप कम्फर्टेबल और आसान ड्राइविंग चाहते हैं और अक्सर ट्रैफिक में फंसते हैं, ऐसी जगह आपको अक्सर जाना होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलती है, या फिर आप कम एक्सपीरियंसड हैं, तो ऐसे में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी चाहिए। बेशक इसमें भी एक फाइनल पॉइंट है कि आप दोनों तरह की कारों को टेस्ट ड्राइव करके ही सही फैसला लें, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में भी काफ़ी सारे विकल्प अब आ चुके हैं, जैसे कि CVT है, IMT है या DCT है, और इन सब में काफ़ी डिफरेंस होता है कम्फर्ट वाइज, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर ऐसे ट्रांसमिशंस मिल जाते हैं जो मैनुअल से ज़्यादा कंफर्ट आपको देते हैं। बेशक ऑटोमेटिक में कंफर्ट मिलता है, लेकिन कुछ जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में जर्क होता है वो एडवांस ट्रांसमिशंस में आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि AMT, CVT और DCT, IMT में क्या डिफरेंस है और इनमें से आपके लिए फाइनली कौन सा परफेक्टली फिट होने वाला है, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिटेल शेयर कर दी जाएगी। साथ में आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाले हैं आपके लिए सूटेबल कौन सी मैनुअल गाड़ियां हैं, किस बजट सेगमेंट में या ऑटोमेटिक में ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो मिनिमम बजट में स्टार्ट होकर भी आपको एडवांस फीचर्स देती हैं, अच्छी सेफ्टी देती हैं और साथ ही अच्छा माइलेज भी देती हैं। तो कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगी, यूजेबल लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, खास तौर से जो न्यू कार परचेज करने वाले हैं, ताकि उनके भी सब कन्फ्यूजन दूर हों और अपने लिए बेस्ट गाड़ी सेलेक्ट कर पाएँ। मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।